लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, पार्टी अकेले दम पर 300 पार, एनडीए 350 पार। बीजेपी की भारी जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, फूलों की माला पहनाई गई। पीएम मोदी ने कहा, देश हित के लिए सबको साथ लेकर चलना है, हम अपने आदर्शों संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे, सरकार बहुमत से चलती है, देश सर्वमत से। बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में किसी पार्टी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान विजयी हुआ, देशवासियों ने फकीर की झोली भर दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत, परिवारवाद जातिवाद तुष्टीकरण की हार हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी को महाविजय का महानायक बताया, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की हार राष्ट्रवाद की जीत है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा हार की जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय होगी। चुनाव में कांग्रेस की हार पर महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा, जनता के निर्णय का आदर करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। अमेठी में स्मृति ईरानी की शानदार जीत, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 55,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। अमेठी में हार पर राहुल गांधी ने कहा, अमेठी की जनता का प्यार से ख्याल रखें। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया, पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई। 26 मई को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई, जीते हुए सांसद नरेंद्र मोदी को नेता चुनेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 25 मई को होगी बैठक, पार्टी की हार पर होगी चर्चा। यूपी में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन, एनडीए को 62 सीट मिली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी सफलता, 18 सीट पर जीत, टीएमसी के खाते में 22 सीटें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बंगाल में जुल्म अत्याचार की हार। आंध्र प्रदेश लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का खराब प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में भी करारी हार। विधानसभा चुनाव में हार के बाद चंद्रबाबू नायडू ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, जगन मोहन रेड्डी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी की शानदार वापसी, 5वीं बार सीएम बनेंगे नवीन पटनायक। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, लेफ्ट उम्मीदवार कन्हैया कुमार को हराया। पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद जीते, कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को हराया। गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा चुनाव हारे, बीएसपी के अफजाल अंसारी जीते। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा चुनाव जीती, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव हारे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, जबकि श्रीनगर से फारूख अब्दुल्ला चुनाव जीते।